मेरा नाम अर्णव है, मैं ईस्ट वन से हूँ। आज एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ। एक बार एक रेपुटेटेड शूज़ का कंपनी अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहता था साउथ अफ्रीका का एक प्लेस में। अब बिजनेस एक्सपैंड करने से पहले जो ज़रूरी होता है वो है कि मार्केट सर्वे करना या उसका डिटेल्स लाना, और इसके लिए चाहिए था एक एग्जीक्यूटिव का। सो एज़ यूजुअल एक एग्जीक्यूटिव को उस कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर भेजा साउथ अफ्रीका का उस प्लेस में। उसको बताया गया कि 3 दिन तक आप सर्वे करो और 3 दिन के बाद मैं आपको कॉल करूंगा, आप मुझे डिटेल्स देना। एग्जीक्यूटिव चला गया, 3 दिन तक सर्वे किया और उसके बाद 3 दिन के बाद उसका मार्केटिंग मैनेजर जो बॉस है उसने कॉल किया। कॉल रिसीव करते ही वो एग्जीक्यूटिव जोर से बोलने लगा, सर इस मार्केट में बिजनेस नहीं हो सकता, शूज का स्पेशली बिजनेस नहीं हो सकता। बॉस ने कहा, क्यों? बिकॉज सर इस मार्केट में कोई जूता ही नहीं पहनता है, कोई शूज पहनता ही नहीं है। सो अगर जिस जगह में शूज पहनता नहीं है तो वहां पर शूज का बिजनेस कैसे हो सकता है? सो सर इसमें यहां पर बिजनेस नहीं हो सकता है, यहां पर बिजनेस करना स्पेशली शूज का बिजनेस करना मतलब लॉस है। मार्केटिंग मैनेजर ने कुछ नहीं कहा उसको, उसको खाली रिटर्न आने के लिए बोला गया कि आप रिटर्न आ जाओ। वो रिटर्न आ गया और उसके जगह और एक एग्जीक्यूटिव को भेजा गया साउथ अफ्रीका का उसी प्लेस में, उसी जगह में, और सेम तरीके से उसको भी बोला गया कि आप 3 दिन तक सर्वे करो और 3 दिन के बाद मैं आपको कॉल करूंगा, आप मुझे उसका डिटेल्स देना। ये एग्जीक्यूटिव भी चला गया। 3 दिन के बाद मार्केटिंग मैनेजर ने उसको कॉल किया और कॉल रिसीव करते ही इन्होंने जो बोला ये टोटली डिफरेंट था। जो पहला एग्जीक्यूटिव गया था उससे टोटली डिफरेंस कुछ बताया, टोटली अलग कुछ बताया। इसने बोला कि सर यहां पर तो बिल्कुल बिजनेस करना चाहिए, स्पेशली शूज का ही बिजनेस एक्सपेंड हो सकता है। बॉस ने कहा, क्यों? बोला, बिकॉज सर यहां पर कोई जूता नहीं पहनता, और अगर जूता कोई नहीं पहनता है, किसी को पता नहीं है कि जूता पहनने का बेनिफिट्स क्या है, और कोई भी यहाँ पर शूज़ का कोई कंपनीज भी नहीं है, तो ये पूरा मार्केट हमारा हो सकता है अगर हम इन लोगों को जूता पहनने का बेनिफिट्स एक बार कनेक्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये स्टोरी इतना तक ही था, लेकिन इसका जो मीनिंग है, इसका जो इंटरनल मीनिंग है, इसका जो लर्निंग है वो बहुत 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 बड़ा है। और ये लर्निंग अगर आप कोई प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे हैं तो ये आपको आगे ले जाने के लिए बहुत हेल्प करेगा। क्या ऐसे देखते हो आप, अगर एक हाफ ग्लास पानी है, या तो आप देखते हो कि हाफ ग्लास वाटर, या फिर आप देखते हो कि हाफ एम्प्टी ग्लास, राइट? तो यहां पर मैं ये बताना चाहता हूं कि एक ही चीज है, लेकिन अपना अपना नजरिया है, आप कौन सा नजरिया से देखते हो। या तो आपको वहां पर प्रॉब्लम दिखाई देगा और सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, या फिर वहां पर आप देख सकते हो अपॉर्चुनिटीज जहां से ही रास्ते खुल जाते हैं। और दिस इज द प्रोग्रेसिव वे फॉर योर लाइफ, फॉर योर करियर। सो दिस इज द लर्निंग ऑफ दिस स्टोरी। थैंक यू सो मच।